गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम सातवीं कक्षा के अध्याय नंबर 2 दादी माँ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसके पेज नंबर 7 पूरे कर चुके हैं और 8वें पेज पे आए हुए हैं। तो आज उसका तीसरा पार्ट है लेसन का, उस अध्याय का तीसरा पार्ट पेज नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब अपनी बुक निकालिए और उसे अपने सामने रखिए और साथ में पेंसिल भी रखिए। प्यारे बच्चों, आज तक अब तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा उसके बारे में बता दूँ कि इसके अंदर एक लेखक क्या सोचता है, कि अपने बचपन की बातें सोचता है। इस लेसन के अंदर अब तक क्या पढ़ा हमने कि लेखक अपने बचपन की बातें सोच रहा है, वो कैसे तालाब में नहाता था, फिर क्या होता था कि उसके बाद वो बीमार हो जाता था, तो दादी माँ उसका कैसे ख्याल रखती थी। फिर दादी माँ के बारे में बता रहा है वो, क्या बता रहे हैं वो, अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं वो लेखक। क्या बता रहे हैं कि दादी माँ कैसी थी, कैसे उसका ख्याल रखती थी और कैसे उसके आस पड़ोस के लोग उससे पैसे उधार लेके जाते थे। अगर वो पैसे उधार नहीं देते थे, वापिस नहीं देते थे, तो उनका वो ब्याज भी माफ़ कर देती थी और वो उसके पैसे भी माफ़ कर देती थी और उनकी हेल्प करती थी। तो क्या दिखाया इसने बच्चों पार्ट में, कि दादी माँ आस पड़ोस के लोगों की हेल्प भी करती थी, सहायता करती थी वो आस पड़ोस के लोगों की। हमें भी आस पड़ोस के लोग जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद हैं, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। अगर हम उनकी सहायता कर सकते हैं तो अगर हमारे अंदर एबिलिटी मतलब हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे अंदर अगर उनकी सहायता करने की कैपेसिटी है, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए बच्चों। तो इस लेसन के अंदर ये दिखाया गया कि हमें आस पड़ोस के लोगों की सहायता करनी चाहिए जैसे दादी माँ करती थी। तो प्यारे बच्चों, अपनी बुक को सामने रखिए, पेंसिल लीजिए और अब हम इसको पेज नंबर 8 से जो लास्ट में पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 8 पे नीचे से लाइन नंबर 9 वहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिए, तो क्या है इसके अंदर, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। दादी माँ क्या करती थी, उदास रहती थी। क्यों रहती थी, क्योंकि उसके पापा ने और उसके भैया ने दादा के श्राद्ध पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे और उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया, बहुत ज़्यादा पैसों का उधार हो गया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। नीचे से लाइन नंबर 9 वो पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 8 पे लाइन नंबर 9, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। माघ के, ओ माँ, माघ का महीना कौन सा, सर्दी का महीना होता है, जो हमारे यहाँ पे जनवरी का महीना होता है उसको माघ का महीना होता है। देसी महीना ये, ओ माँ, फागुन चैत विशाख जेठ सार सावन भादो आशु कार्तक मंसर, ओ माँ, वहाँ से आता है फिर माँ, माँ होता है सर्दियों का महीना, माँ का महीना। तो प्यारे बच्चों, माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा, कड़ाके का जाड़ा मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड, अत्यधिक ठंड पड़ रही थी। जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना बच्चों, तो वो महीना। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ होता है पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी हवाएं जो पश्चिम दिशा से आती है उसको पछुआ बोलते हैं। पश्चिमी हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, कहने का मतलब ये जो पश्चिम से हवा चलती है ठंडी हवा चलती है, और जो पूर्व से चलती है वो गर्मियों में चलती है, अच्छी लगती है। पाले की सीत हड्डियों में खुशी पड़ती थी, पाले की, पाले पाला मतलब बहुत ज़्यादा ठंड को पाला बोलते हैं, वो हमारी हड्डियों में घुस गया था। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ कर बैठी थी। दादी माँ क्या कर रही थी रात को, शाम को एक दिया जला के, दिया मतलब दीपक जला के संदूक पे वहाँ पे बैठी थी, हाथ जोड़ के बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखें स्नेह से भरी, स्नेह कातर मतलब स्नेह से भरी, प्यारी प्यारी आंखें, स्नेह से भरी हुई आंखें। मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, उनकी स्नेह भरी जो प्यार से भरी आंखें थी उसमें कभी आंसू नहीं देखे थे मैंने। मैं बहुत देर तक मनमारे उनके पास बैठा रहा, उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन बोला दादी माँ, उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे, तो लेकिन बोला दादी माँ, धीरे से बोला दादी माँ, क्या है लेकिन यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ क्या बोली, यहाँ क्यों बैठा है बेटा, किससे बोली, लेखक से। लेखक कौन है हमारा, शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगे ना, हाँ
तो दादी माँ बोली कि दादी माँ से बोला शिव प्रसाद सिंह जो हमारे लेखक हैं कि दादी माँ एक बात पूछो बताओगे क्या। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण क्या मतलब प्यार से बोली आंखों में देखा। क्या है पूछ, दादी बोली क्या है पूछ, तुम रोती थी। दादी मुस्कुराई, पागल तूने कभी खाना, अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी माँ अपनी बात को मतलब पलट रही है, टाल रही है। उसने पूछा दादी माँ तुम अभी रो रही थी, दादी माँ आप रो रहे थे अभी, तो उसने कहा नहीं नहीं चल चल तुम, अभी तुमने खाना भी नहीं खाया, मतलब उसको वहाँ से भगा रही है, अपनी बात को दबा रही है, ये कह रही है। धोती तो बदल ले दादी माँ, मैंने कहा, मैंने कहा कि उनकी धोती खिली थी, मैंने बोला कि दादी माँ धोती को बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, क्या बोली दादी, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मुझे सर्दी नहीं लगती, क्योंकि पाला पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी और उन्होंने गीली धोती को डाले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और गीली धोती और गीले कपड़े डालना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बोली बेटा मेरे को सर्दी गर्मी नहीं लगती अब। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा भी क्या है, बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी। तो दादी उनके पिताजी किसके लेखक के पिताजी और उनके किशन भैया बातें कर रहे थे, हमें कितनों का कर्जा देना है, अभी पिछले वाला ब्याज भी नहीं दिया, मतलब ये बातें कर रहे थे, उदास थे वो। वे रोने से हो गए, वो रोने को हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उदास थे, और ऐसे लग रहा था जैसे रोने वाले। रोता क्यों है रे, कौन बोला, दादी, दादी बोली रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा मैं तो अभी हूँ ही, मैं अभी हूँ, दादी ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा सहारा कौन होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, दादा दादी मम्मी पापा, हमें इनका कहना मानना चाहिए, हमेशा हमारी ये हेल्प करने के लिए तैयार रहते। तो दादी माँ ने भी ऐसा ही किया, दादी माँ ने भी ऐसा ही किया, उनकी हेल्प के लिए बोली कि घबराता क्यों है तू, मैं हूँ, तुम घबराते क्यों, किससे बोला, लेखक के भैया किशन से और उसके पिताजी से। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, दादी माँ ने एक चमकती हुई चीज निकाली, उनका निकाली, मेरे तेरे दादा ने है कंगन मुझे इसी दिन के लिए देता। क्या निकाला दादी माँ ने, उसमें से एक कंगन निकाला, कौन सा कंगन, सोने का कंगन, सोने का कंगन निकाला, किसमें से, संदूक में से, इसके लिए, और क्या बोली कि ये तेरे दादा ने मेरे लिए मुझे दिया था इस इन बुरे दिनों के लिए, इन बुरे दिनों में काम आने के लिए कंगन दिया था। तो दादी माँ ने कंगन निकाल दिया और उनके सामने रख दिया, उनका गला बताया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, मैंने इसे पहना नहीं है, मैं इसे संभाल कर, सहेज कर रखना मतलब संभाल कर रखना, मैंने संभाल के रखा है, यह उनके वंश की निशानी है, यह उनके वंश क्या होता है बेटा, परिवार, कुल, जो पीछे से चला रहा है हमारा, हमारे दादा परदादा और जो उनका नाम है वो कुल, जैसे राम का कुल कौन सा था, रघु कुल, ऐसे ही सबके कुल होते हैं, तो सबका नाम होता है, तो उनके कुल, क्योंकि कुल का निशानी थी, उनके वंश की निशानी थी वो। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। तो दादी माँ क्या बोली कि पुराने लोग सब सोच लेते थे आगा पीछा, सब सोच लेते थे कि कभी अगर मुसीबत आएगी तो हमारे ये जो सोने का कंगन है काम आएगा, ये सब सोच लेते थे हमारे। तो दादी माँ ने बोला, किसने बोला था ये कि पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते हैं, किसने बोला, ये दादी माँ ने बोला था, ये क्वेश्चन बनता है आपके बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे आ गया। सचमुच मुझे दादी माँ साभर्त देवी सी लगी, मुझे दादी माँ साभर्त देवी सी लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई, विलीन होता ना मतलब खत्म होगा। मुझे उस टाइम क्या लगा, तो दादी माँ ने कहा कि आगा पीछा सोच लेते हैं, साभर्त देवी सी, साभर्त देवी होती है जो सबके कष्टों को मिटाए, वो देवी सबके कष्टों को दूर करे, वो देवी लग रही थी उस टाइम। जिस टाइम दादी ने ये कहा कि ये जो कंगन है ये बुरे वक्त के लिए, और उन्होंने वो कंगन पापा को और भाई को मतलब उसके पिताजी को और उसके भैया को दे दिया था, तो उस टाइम क्या लगी लेखक को, साभर्त देवी लगी, साभर्त देवी लगी। तो प्यारे बच्चों साभर्त देवी का मतलब क्या होता है, जो किसी के कष्टों को दूर करे, साप को दूर करे, किसी की मुसीबतों को दूर करे, उसे साभर्त देवी बोलते हैं। तो वहाँ पे लेखक को दादी माँ क्या लगी, साभर्त देवी। धुंधली आगे बढ़ते हैं देखो,
धुंधली छाया विलीन हो गई, धुंधली छाया विलीन हो गई, जो धुंधली छाया थी जो अंधकार आया था वो विलीन हो गई, चली गई, खत्म हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया, दिन काफ़ी चढ़ाया था मतलब दिन काफ़ी मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था दिन का। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आँखें खो फैला कर मेरी खिड़की पर बैठ गया। क्या देखता लेखक कि एक खजूर के पेड़ से एक कौवा आया उनके और उनकी लेखक की खिड़की पर बैठ गया। एक कौवा अपनी घिनौनी काली आँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। लेखक के हाथ में क्या था? किशन भैया का पत्र। उस पत्र में क्या था? दादी की मौत का समाचार, दादी की अंतिम समय का समाचार। जब वो क्या था उसके अंदर कि दादी मार रही है, ये बात थी उसके अंदर, और उनके हाथ कांप रहे थे। किसके? लेखक के। दादी से बहुत प्यार करते हैं सभी बच्चे, दादी दादा दादा से प्यार करते हैं, दादा दादी भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो वो भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। देखो इतनी उम्र हो चुकी थी उनकी, और उनकी दादी जब चले जाते तो वो बहुत रोते हैं, उनके हाथ कांप रहे थे पत्र को पढ़ते हुए। तो हमें भी अपने बड़ों की, अपने दादा दादी की, अपने पापा की रिस्पेक्ट और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था, काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही थी। काली चींटियों से कतारें मतलब क्या होता है, जो अक्षर है जो काले अक्षर लिखे होते हैं वो जैसे चींटियाँ होती हैं ना, और वो चलती रहती हैं और अंदर मिल में चली जाती हैं, खत्म हो जाती है, तो ऐसे ही वो अक्षर अब खत्म हो रहे थे। कहाँ पे खत्म हो रहे थे देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। धूमिल हो रही थी, आंखों पर विश्वास नहीं होता, आंखों पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था, वो पत्र पढ़ रहे थे। वो जो पत्र की जो लाइनें आके आखिर में खत्म हो गई, कहाँ पे खत्म हुई थी वो, कि दादी माँ नहीं रही। वो अक्सर ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे चींटियाँ होती है और चल रही है कतार में, अक्सर भी ऐसे दिखती है ना हमें अगर दूर से देखेंगे जैसे चींटियों की लाइन बनी। तो ऐसे बच्चों, तो ऐसे ही लेखक को ऐसे लग रहा था कि वो जो अक्षर थे वो खत्म हो चुकी हैं और जो कतार उनकी खत्म हो चुकी हैं। और लास्ट में क्या था देखो, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मन बार बार अपने से ही पूछ रहा था क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही। तो आखिर में क्या होता है कि वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ नहीं रही। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने कि एक लेखक सोचता है अपनी दादी के बारे में, अपने बचपन के बारे में, दादी माँ कैसे हेल्प करती थी, दादी माँ सबकी हेल्प करती थी, वो बचपन में कैसे नहाते थे उसके बारे में सोच रहा है कि दादी माँ जब वो बीमार हो जाता तो दादी माँ उनकी कैसे देखभाल करती थी। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है, एक दादी की कहानी है, एक लेखक की कहानी है, बचपन की कहानी है। तो दादी माँ जैसे दूसरों की हेल्प करती है, ऐसे ही हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और बीमार व्यक्तियों की भी हेल्प करनी चाहिए, और जो गरीब है उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। हमें किसी भी गरीबी का, किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके पार से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, अगर हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो हमें एक बार और इसे घर पे ध्यान से पढ़ना है बच्चों इस लेसन को, और मेरी इन सब वीडियो को देखना है ध्यान से, उसके अंदर जो वर्डिंग मैंने बताया उनको याद करना, उन्हें अपने रफ नोटबुक में लिखना भी है, जो हार्ड शब्द है उनको भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, जो भी है क्या होंगे खालिस्तान करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।